हम बढ़ते अगले टीम की तरफ और इन्होंने कोई शॉपिंग नहीं की है। पंजाब किंग्स शशांक सिंह 5.5 करोड़, प्रभ सिमरन 4 करोड़, और अब निकलेंगे ये मैदान में 11.05 करोड़ के साथ। इन्होंने इन्होंने कोई शॉपिंग नहीं करी ताकि ये शॉपिंग कर सकें। हाँ उतरते पंजाब ऑप्शन में और किंग्स, शॉपिंग करते हैं, ये उनकी हॉबी। पंजाब किंग्स सबसे ज्यादा एक्टिव ऑप्शंस के टाइम ही रहते हैं, उसके अलावा एक बार सीजन शुरू हुआ तो आपको पता भी नहीं चलता पंजाब किंग्स का। निखिल अभी सुनने दे अगर तुम पंजाब किंग्स के बारे में बात करो तो पंजाब किंग्स इन द नेक्स्ट ऑप्शन विल बी लाइक तू मेरे टीम में रहेगा, तू भी मेरे टीम में रहेगा, तू भी मेरे टीम में रहेगा, तू भी मेरे टीम में रहेगा, सब जितना 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 पैसा चाहिए सब आ जाओ लेके जाओ। बढ़िया पापा पॉन्टिंग है वहां पे। काफी इंटरेस्टिंग कॉल रहा मेरे लिए कि दे डिड नॉट गिव अर्शदीप 18। आई फील दैट इज स्लाइटली एंड अगेन 18 का भी बात नहीं है, आप नहीं है 16 का बात बना सकते थे भाई, आप 16 में भी बना सकते थे, 15 में भी बना सकते थे। थोड़ा वो मेरे को आई ऑनेस्टली से थोड़ा वो मेरे को खटका के वो बंदे ने उतना काम किया है आपके फ्रेंचाइज के लिए एंड ही इवेंचुअली भाई वर्ल्ड कप में भी ही वॉज वेरी गुड। तो थोड़ा मेरे को एक एक हार्श कॉल लगा। आई थिंक आई वुड वॉन्ट इंडियन प्लेयर्स, अगेन नेशनलिटी वैशनलिटी नहीं, बट ऑफकोर्स यू वॉन्ट टू थिंक ऑफ एवरीथिंग अराउंड, बट थोड़ा एक अच्छा होता आपके लिए इफ यू हैड गिवन हिम दैट पर्स। ठीक है, दे कुड नाउ दे हैव ऑल द ऑप्शंस, जिसको चाहिए उसको आरटीएम करो, चार आपके पास विकल्प हो जाएंगे, तो दे कैन गो ऑन एंड पॉसिबली बाय बैक देम आल्सो, पर आई थिंक ही शुड हैव बीन रिटेन। लेकिन मैं वही बोलने वाला था, ठीक है, क्योंकि तुम दोनों भी काफी परफॉर्मेंस बेस्ड जा रहे हो, तो मैं थोड़ा सा एक दूसरा एस्पेक्ट टच करना चाहूंगा हर टीम के बारे में। सो पंजाब किंग्स अगेन यार, तुम वो रिप्रेजेंटेशन भी शायद, क्योंकि मेरे मेरे हिसाब से पंजाब किंग्स एज अ टीम, ओके आरसीबी भी नहीं जीती है कभी, दिल्ली कैपिटल्स भी नहीं जीती है, दिल्ली कैपिटल्स वो कुछ हद तक शायद ओवरकम कर रही थी विद ऋषभ पंत, ओके लोकल बॉय एंड एवरीथिंग। अर्शदीप को छोड़ना थोड़ा सा कम ट्रस्ट दिखाना शायद, मतलब मुझे लग रहा है, क्योंकि पंजाब किंग्स ने अर्शदीप को छोड़ना मेरे मतलब मुझे थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है इस पर्टिकुलर मतलब रिटेंशन के बारे में। आई थिंक अर्शदीप को तो रखना चाहिए था उन लोगों ने, सोमेश, क्योंकि यार वो होता तो है यार रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा तो होना चाहिए, क्योंकि अगेन इट्स आईपीएल, ये नहीं पता बिकॉज़ अगर आप अगेन अपने पास बेस है 2022 का ऑप्शन, अगर आप 18 करोड़ को देखोगे तो इट इज उस ऑप्शन का 15 करोड़, तो उस समय सबसे ज्यादा महंगे में जो पेसर गए थे वो सेकंड हाईएस्ट बिड भी थे ऑक्शन के, दीपक चार ही वेंट फॉर 14 करोड़। उस हिसाब से आप देखोगे तो अर्शदीप इज देयर एंड देयर अबाउट्स। आई थिंक आरटीएम लोडिंग, बट दैट्स टू मच, लाइक यू सेड कि थोड़ा ट्रस्ट दिखा के भाई 18 करोड़ में रिटेन करना चाहिए था, बट आई डोंट नो, मतलब पंजाब किंग्स नीड टू गेट देयर वाइब टुगेदर, क्योंकि एक आईपीएल हिस्ट्री की सबसे सोललेस फ्रेंचाइजी है। आई मीन देयर इज नो टू वेज अबाउट इट, आई थिंक इट हैज बीन अ 9 टीम इवेंट, पहले 7 टीम इवेंट था, उसके बाद दो टीम और उड़ गए, उनमें फिर बढ़ गए, उसमें फिर भी थोड़ी वाइब है। पंजाब में लोकल प्लेयर्स का भी उतना डोमिनेशन नहीं है, उनका प्लेइंग स्टाइल भी, आई मीन देयर वाज दिस वन सीजन व्हेन दे जस्ट आफ्टर द लास्ट रिटेंशन वाला साइकिल, पहला सीजन जो 2022 में था, एक क्लियर स्ट्रेटजी थी कि दे विल प्ले एन अटैकिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट, वो उन्होंने एक ही सीजन कंटिन्यू किया, उसके बाद से सब नॉर्मलाइज हो गया। तो अभी भी आई थिंक दिस इज अ टीम दैट नीड्स टू डू अ लॉट ऑफ सोल सर्चिंग, दे नीड टू आइडेंटिफाई अ फ्यू प्लेयर्स जिसके अराउंड वो किंग पंजाब किंग्स द ब्रांड बिल्ड होगा, बिकॉज अभी कोई फलक्रम उनका कभी आया ही नहीं। आई मीन आई थिंक 2014 वॉज द लास्ट टाइम वेन दे रियली गेव अ गुड वाइब, क्योंकि तब मैक्सवेल परफॉर्म कर रहा था, मिलर परफॉर्म कर रहा था, बेली के अंडर द टीम वर एक्चुअली कमिंग टुगेदर, बट तब से अब तक इट्स द सेम थिंग यार, एवरी टाइम एवरी मेगा ऑक्शन एवरी मिनी ऑक्शन पंजाब किंग्स आर देयर विद द हाईएस्ट पर्स। होपफुली लेट्स सी इफ दे आर एबल टू सॉर्ट दिस आउट। पॉन्टिंग आई नो द फ्रेंड ऑफ आवर्स गुरकिरत इज नॉट वेरी इम्प्रेस विद हाउ वॉट ही डिड एट दिल्ली कैपिटल्स, बट आई थिंक ही इज स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड वॉट इज नीडेड टू बिल्ड अ कोर। रोल में कभी ऊंच नीच हो जाती होगी, बट आई थिंक ही विल बी डूइंग अ गुड जॉब एट बिल्डिंग अ कोर, बट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट यार। यू लुक एट द टीम्स जो रिलीज हुए प्लेयर्स, उनमें भी आप देखोगे तो ऐसा बहुत ऐसे नाम नहीं है यार कि वाओ ये प्लेयर्स मैं उठा लूंगा और मेरा काम हो जाएगा। भाई बाकी टीम्स उनके लिए बिड करेंगी, आप कितने ही ऐसे प्लेयर ले लो, अच्छे अच्छे सॉलिड इंडियन प्लेयर्स तो गए, अब तुमको ओवरसीज के अराउंड ही टीम बिल्ड करनी पड़ेगी।
फोर्सेस कितना आएंगे, कितना परफॉर्म करेंगे, कितना वो टीम को आगे लेके जाएंगे, इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट. तो भले ही भाई दिस सीम्स लाइक 110.5 करोड़, व्हाट एंड्स अप हैपनिंग इज द टीम, अदर टीम्स आल्सो नो कि तुम्हारा जितना पैसा पड़ा है तो बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, तो जो प्लेयर 15 करोड़ का है वो 22-23 पे चले जाएगा. नहीं मैं फिर हम जैसे लोग वीडियो करेंगे कि क्या वो वर्थ था. भाई वो वर्थ इसलिए था क्योंकि कोई एक टीम थी जो इतना पैसा लेके बैठी थी. नहीं लेकिन मैं 18 करोड़ पे तो ऑब्वियसली थोड़ा सा मैं सोचता अर्शदीप के लिए, लेकिन क्योंकि अभी क्लियरली वो कैप्स नजर नहीं आ रहे, सो मे बी मेरे हिसाब से अर्शदीप रहना चाहिए था. लेकिन ओके फाइनल थॉट्स ऑन दिस आरटीएम, कौन से 2-3 प्लेयर तो एटलीस्ट इन्होंने आरटीएम करने ही चाहिए. निखिल आई स्टार्ट विद यू. मेरे को पूछेगा तो मैं तो हरप्रीत बरार को आरटीएम करूंगा, मैं अर्शदीप सिंह को भी आरटीएम करूंगा, और अगेन इट डिपेंड्स कि इफ दे आर गेटिंग बहुत कारण अर्जुन यार वो हो रहा है तो फिर देन यू हैव यू कैन डाइवर्ट योर अटेंशन टू अदर प्रॉब्लम्स. क्योंकि हर्षल पटेल एक आपके पास विकल्प है, सैम करन, लियाम लिविंगस्टन, ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे हैं, पर इट डिपेंड्स ऑन व्हाट द लाइन ऑफ थॉट इज. और अगर अर्शदीप इस लाइनअप में नहीं है तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई हैव जीरो आइडिया कि इनका प्लान क्या होगा. मतलब क्योंकि इनिशियली मुझे लग रहा था लियाम लिविंगस्टन और इन सब प्लेयर तक ये आरटीएम्स लेके जाएंगे, लेकिन अगर इन्होंने अर्शदीप भी नहीं रखा है तो क्या ही आरटीएम के बारे में सोचा होगा. सोमेश सोचा होगा सोचा होगा, पर उसमें मेरे को एक ही, लेकिन हमको क्लियर समझ में नहीं आ रहा है उनका. नहीं सोमेश जैसे बोला, अब आपको मेरे को सबको पता है कि इनको अर्शदीप चाहिए, मैं उनको कोई फ्रेंचाइज पागल ही होना चाहिए जो उनको 20 या 25 में भी अर्शदीप देने दे. You would have to just ensure के तेरे को अर्शदीप चाहिए ना, चल 30 करोड़ दे तो ही मैं तो अर्शदीप देगा. And that I think is a fair strategy to try and outsmart a guy who thinks he's too smart. See, they could eventually get him back for 14 also, इतना सब बोलने के बाद. But ये auction dynamic है, आप उसको open रख रहे हो कि ये चीज कहीं भी जा सकती है, तो अब देखो कहाँ जाती है. Okay, अर्शदीप के बारे में तो खैर हो गया. सुमेश बस एक बात बताओ, KL राहुल, ऋषभ पंत या श्रेयस अय्यर में से कौन इनको लीड कर रहा है? क्योंकि ये अगर इन तीनों में से भी नहीं किया तो बताओ अभी क्या करेगा 11 करोड़ का या 110 करोड़ का. यार देखो केएल राहुल तो ऑलरेडी सिस्टम में होके जा चुका है, केएल राहुल के लिए तो वैसे ही हो जाएगा कि मतलब अब अगर इस सब के इतना सब करने के बाद भी वो पंजाब में वापस गया तो हाथ तो आया और मुंह ना लगा वाली बात हो जाएगी केएल राहुल के लिए फिर से. बट आई मीन पॉन्टिंग हैज हैड एन एक्सपीरियंस विद बोथ पंत एंड श्रेयस अय्यर, सो इफ आई हैव टू पिक वन it has to be either of them. maybe Rishabh Pant and Ponting can put together to resurrect the franchise, because agar hum auction ki baat kare to they certainly have the purse to buy both of them if not one. so, agar wo kar le ki nahi bhai karna hi hoga aisa hoga Delhi Capitals fir to they can actually fir se purana Delhi Capitals bana sakte hain. थोड़ा सा तो है फिर यार. फिर लोग इसको XRC भी बुलाना बंद कर देंगे. XDC 26 करोड़ इज माय फिगर, 26 करोड़ फॉर ऋषभ पंत फ्रॉम पापा कोटी, देखते हैं. 26 करोड़ ओके 26 करोड़ फॉर ऋषभ पंत, पता नहीं कितना मतलब कितना वर्थ और वो सब कुछ तो बाकी की बात है. हां बट अगेन ओके पंजाब किंग्स, आई थिंक हमने काफी डिस्कशन कर लिया पंजाब किंग्स के बारे में. आई होप दे ऑल्सो थिंक अबाउट देयर फ्रेंचाइजीज दिस मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. ऐसे और वीडियोज देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए.